यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडागर्दी खत्म हो गई है, ये दावा अक्सर किया जाता है, लेकिन फिर जो कानपुर में हाल ही में हुआ वो तमाम सवाल खड़े करता है, जिसमें खुद एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़ा हेड कांस्टेबल तक शामिल था। एमसीए का छात्र नाम आयुष द्विवेदी, इसे पीटा गया, घूंसे मारे गए, मुंह पर पेशाब किया गया, एक नहीं कई सारे लोग थे। हैरानी की बात यह है कि इसमें मेन कल्प्रेट हेड कांस्टेबल और उसका खुद का बेटा था। मामला गरमाया तो सिपाही तो गिरफ्त में आ गया, लेकिन बेटा अभी फरार है। इस 26-27 साल के लड़के को, जिसके साथ जानवर से भी बुरा बर्ताव किया गया, टॉर्चर किया गया, उसके बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं और हो भी रहे हैं। बीते दिनों इस मामले में नया वीडियो भी सामने आया। इस ओरिजिनल वीडियो को शायद आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे, इसी वजह से इसे ब्लर करके ही हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो को म्यूट पर बनाया गया है, मतलब कोई आवाज नहीं है कि कौन बना रहा है, कोई आवाज दे रहा है। किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया गया कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें आयुष द्विवेदी साफ दिख रहा है, जिसके नाखून उखाड़कर आरोपी हंस रहा है, वो रहम की भीख मांग रहा है तो उसे घूंसा मारा जा रहा है। पूरा मामला बताए तो बीती 8 जनवरी को गुबा गार्डन कल्याणपुर निवासी एमसीए के छात्र आयुष द्विवेदी को हनी ट्रैप में फंसाकर हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह का बेटा हिमांशु यादव उर्फ सनी अपने साथियों के साथ अपहरण करके ले गया था। सभी ने आरोपितों को बेरहमी से पीटा और उसे पेशाब पिलाई थी। जानकारी के मुताबिक आयुष के साथ एक दूसरा लड़का अभिषेक भी था, उसका भी एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो किसने बनाया, कब बनाया पता नहीं, लेकिन वीडियो के मुताबिक उसके साथ आयुष भी था। लोगों कार में बैठा ला, आगे ले गए, एक किसी जंगल में ले गए, वहां पे एक पाइप रहता है वो रबड़ का था, उससे आयुष को काफी मारा, उसकी टी शर्ट उतार दी पूरी। उसको मारने के बाद जब वो बेहोश टाइप का हो गया तो उसके मुंह पे मूत दिया, उसको पानी नहीं पूरे रस्ते पिलाया, उसको मुंह पे मूतने के बाद उसको किनारे बैठा ला, पानी आनी पिलाया, फिर कपड़े उसके उतरवा के उसके पीछे साइड पे केवल डंडे ही डंडे से मारा है। जब वो कुछ नहीं बोल पा रहा था उसके बाद उसके कान में थप्पड़ मारा तो उसको सुनाई नहीं दे रहा था, जब सुनाई नहीं दे रहा था उसने कान के में एक पतली सी डंडी थी वो पूरी ठूस के डाल दी, कि फिर आयुष ने हाथ हटाया कि हटाओ भैया सुनाई नहीं दे रहा, कान का पर्दा फट जाएगा, तो उसके बगल में एक सामान लगाया, सामान लगा के कहते कि अब सुनाई दिया कि नहीं। सामान मतलब, सामान मतलब भैया कट्टा लगाया था। जब कट्टा लगाया तो उसने कहा कि भैया ये सब ना करिए, जान अन चली जाएगी, मम्मी पापा घर पे हैं, बताया जब तब तक में उन्होंने एक फायर मार दिया। उसके कान के पास से गोली चलाई गई, आयुष को ढंग से सुनाई भी नहीं दे रहा है। आरोपों के मुताबिक हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव ने छात्र को पीट कर उसे थूक भी चटाई थी। इस घटना में पुलिस अब तक 4 आरोपितों यानी कि हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह यादव, आयुष मिश्रा, बसाव और अमित दुबे उर्फ नंदू को जेल भेज चुकी है। लाइन देखिए आप, आयुष द्विवेदी को वही के रहने वाले सिपाही धर्मेंद्र यादव के बेटे हिमांशु ने पहले एक लड़की की इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसे दोस्ती की थी, फिर उसको झांसा देकर होटल लैंडमार्क के पास मिलने के लिए बुलाया। वहां से हिमांशु ने अपने दोस्तों के साथ आयुष का इनोवा कार में किडनैपिंग कर लिया। इस दौरान ये खुलासा हुआ कि हिमांशु ने अपने पिता धर्मेंद्र यादव को भी आयुष को पीटने की खबर दी थी। इस दौरान धर्मेंद्र यादव भी मौके पर आ गया था और उसने अपनी चप्पल पर थूक कर उसे चटाया भी था। इस मामले में यह भी पता चला कि लोगों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया था। ये लोग इतने दबंग थे कि मारपीट करने के बाद पीड़ित आयुष और उसके दोस्त अभिषेक को कल्याणपुर में छोड़ गए। साथ ही साथ ये धमकी भी दिए कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। आयुष के पूरे शरीर में बेल्ट से पीटे जाने के निशान थे। इस मामले में आयुष जब रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कल्याणपुर थाने पहुंचा तो पुलिस ने FIR दर्ज की। इसके बाद मामले ने जब तूल पकड़ा तो कार्यवाही शुरू हुई। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन लोगों की प्लानिंग थी कि आयुष को पीट कर उसे ही फंसा देंगे, लेकिन तैश कहे, आवेश कहे, जोश कहे या फिर निर्दयता, इन्होंने आयुष को इतना टॉर्चर किया कि वो पीड़ित ही बन गया। अब प्रशासन ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया है। फरार आरोपी के ना मिलने पर कुर्की का भी नोटिस दे दिया गया है। पुलिस ने साफ कह दिया है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि ऐसी अमानवीय हरकत कोई दोबारा ना करे। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। कभी जाति, कभी अमीरी या कभी पावर का इस्तेमाल करके कमजोर वर्ग पर अत्याचार किया जाता रहा है।
सीधी में कुछ वक्त पहले एक आदिवासी पर बीजेपी के नेता ने पेशाब किया था। ऐसे तमाम मामले सामने आते रहते हैं, क्या यही है प्रशासन का काम? इस हेड कांस्टेबल की हिम्मत आखिर इतनी कैसे बढ़ गई? क्योंकि जो बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। हिमांशु और इसका गैंग ऐसी दबंगे कई बार कर चुके हैं, और ये सिर्फ एक हेड कांस्टेबल का मामला नहीं है, ऐसे पावर का इस्तेमाल करने वाले कई और हैं, लेकिन इन पर गाज तभी गिरती है जब रायता पूरा फैल जाता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।